हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th क्लास 12th वाले बच्चों का एज वेल एज क्लास 11th क्लास 9th वाले बच्चों का जो हाफ ईयरली एग्जाम है, फर्स्ट टर्म एग्जाम है, सेमेस्टर वन एग्जाम है, वो आपका जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में शेड्यूल किया गया है। एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर, अगर इस वाले एग्जाम में हमारा कम मार्क्स आएगा तो क्या ये वाला मार्क्स हमारा फाइनल एग्जाम के मार्क्स में, फाइनल रिजल्ट बनाने टाइम में कोई इम्पैक्ट करेगा? सीबीएसई का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, क्या उसमें ये वाला एग्जाम का मार्क्स इम्पैक्ट करेगा? तो दोनों चीज़ में आपको अच्छे से बताऊंगा कि जो आपका हाफ ईयरली है वो आपके फाइनल रिजल्ट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट करता भी है या फिर नहीं करता है, सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपको कोई भी अदर चैनल वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं, बस आपको हमारे फास्टेस्ट एजुकेशन चैनल के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, कि सपोज कि आपका हाफ ईयरली में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो उस केस में अगर मैं बात करूं क्लास 10th क्लास 12th का, तो कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लास 10th क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका नहीं होने जा रहा है। हाफ ईयरली बस आपकी प्रिपरेशन के लिए ही होता है, ऐसा आप लोग मान के चलिए। ओके, ये बात को दिमाग में रखिएगा। बट अगर आप क्लास 9th क्लास 11th के बच्चे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट जो बनता हो उसमें हाफ ईयरली एग्जाम का 30% मार्क्स कंट्रीब्यूट होता हो, तो उस चीज़ को दिमाग में आप लोग रखिएगा। अगर ऐसा कोई रूल है तो आप लोग एक बार अपने स्कूल से पता कर लीजिए, या फिर अगर आपके कोई सीनियर थे या सीनियर है तो उनसे पूछ लीजिए कि जो रिजल्ट आता है क्या उसमें हाफ ईयरली एग्जाम का कोई वैल्यू होता है, क्योंकि क्लास 9 क्लास 11 के अंदर सभी स्कूल वाले डिफरेंट डिफरेंट मैथड रखते हैं फाइनल रिजल्ट को बनाने के लिए। तो अगर आप ये दोनों क्लास में, तो डेफिनेटली मैटर कर सकता है, बट ये दोनों क्लास में है अगर आप, तो कोई भी मैटर आपका नहीं करेगा आपके हाफ ईयरली का मार्क्स। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल्स को लेकर, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल्स में आपका काफ़ी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का होता है, काफ़ी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का होता है। क्लास 9 क्लास 10 के अंदर सभी मेजर सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट के अंदर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। क्लास 12 के अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर साइंस वगैरह पे आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। बाकी मैथ्स इंग्लिश अकाउंटेंसी वगैरह आपका इंग्लिश वगैरह 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो उस केस में आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि अगर आप प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए 90% बच्चे को फुल मार्क्स प्रैक्टिकल्स के अंदर दिया जाता है। यस, यू हियर इट राइट, फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा 90% बच्चे को अगर आप प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो मार्क्स होता है ये टोटली आपके स्कूल के हैंड में रहता है। एंड जो प्राइवेट स्कूल है वो तभी चलेगा जब उनका रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट अच्छा तभी होगा जब प्रैक्टिकल में स्कूल वाले फुल मार्क्स भेजेंगे। ओके, तो प्राइवेट स्कूल में ये देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 90% बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाता है, रिमेनिंग 10% बच्चे को 1 मार्क्स या फिर मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स से डिडक्ट किया जाता है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। तो ये मैंने आपको बताया प्राइवेट स्कूल्स का। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में अराउंड 75-80% बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाता है। कुछ कुछ बच्चे को 1-2-3 मार्क्स तक कट कर लिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। बट दिमाग में रखिएगा कि कुछ एक्सेप्शनल स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों का प्रैक्टिकल में 5-6 मार्क्स भी कट कर लिया जाता है, बट वो काफ़ी एक्सेप्शनल स्कूल होते हैं। ऐसा स्कूल आपको आपको 500 में एक ही देखने को मिलेगा। ओके, तो इसकी बात मैं ना ही करूं तो ही बेटर है। बाकी मैंने आपको समरी बता दिया कि क्या होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल्स को लेकर।
एक बात दिमाग में रखिएगा कि हाफ ईयरली का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है प्रैक्टिकल मार्क्स पे, बट यस अगर आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आएंगे तब तो ये आपको एश्योरिटी दे देगा कि आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है। ओके, तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर ये बात बोलूंगा कि हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश कीजिए। कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है एज सच। बट हाँ, अगर अगर अच्छा आप लोग स्कोर कर लिए तो डेफिनेटली आपका प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ओके, क्योंकि कुछ को टीचर देखते हैं कि हाँ बच्चे ने हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म किया है तो प्रैक्टिकल में इसको फुल देना है। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखना। बाकी सब्जेक्ट टीचर से आप लोग अपना कॉन्टेक्ट अच्छे से बना कर रखिएगा, लड़िएगा नहीं को टीचर से, कॉन्टेक्ट अच्छे से बना कर रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया, ये सब अभी अपना आपका उतना काम का है नहीं। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि रेपुटेशन हर एक स्कूल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो बच्चे को अच्छे मार्क्स देते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। कोई भी डाउट है तो सीधा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं इंस्टेंटली आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।